सपा की सरकार बनाई, इसने बीजेपी ने किया क्या? कुछ काम नहीं किया। महंगाई इतनी बढ़ा दी कि जनता परेशान है, मजदूर किसान सभी परेशान। हमारे गांव की स्थिति में आज वो हालत है कि डेंगू में इतनी पब्लिक पड़ी हुई है कि कोई विकास नहीं है और किसी के घरों में पैसा तक की भी नहीं है, पर लेकिन मजबूरी है, कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है अपना इलाज कराने के लिए, भाई आदमी बचाने के लिए कोशिश करता ही आदमी, तो इतनी स्थिति खराब है। अखिलेश की सरकार ही बनाएगी, सीएम बनाएगा अखिलेश यहाँ, इतनी सीट ले पाएगी, लगा लो अंदाज कितना लेगी उसकी, सीएम बनेगा अखिलेश यहाँ। लहर भैया सपा की हमारी तो सपा। हाँ धर्मपाल शर्मा। हाँ जी। हाँ तो शर्मा जी बताइए। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में जो 2022 में इलेक्शन है। हाँ जी। किसकी सरकार बना रहे हैं विधानसभा में? अब ये तो ईश्वर जाने जी हम किसकी बनाएं, भगवान जाने, भगवान के नाम पे। बाबा वोट तो आप दोगे? हाँ वोट तो हम देंगे, पर लेकर उस समय जन क्या माहौल बने, तो क्या पहले से सोच कर रख रखा है आपने? ना पहले से नहीं सोचे, हम तो आदमी देखे ना कैंडिडेट कैसा है। हुआ ना। किसकी सरकार ला रहे हो कुछ तो पता होगा? देखो किसकी आवे ये तो ईश्वर जाने, लेकिन वोट तो जब ही देंगे, कैंडिडेट देख कर कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट देखने पड़े ना। बाबा खुल के नहीं बोल पा रहे हो? हाँ, ना खुल के बोल रहा हूँ मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, कैंडिडेट देखना कौन सा अच्छा आदमी। अब मालूम मैं कह रहा हूँ और की और बाद में कोई अपना मिलने वाला या कोई जो है संबंधी आ जाए एमएलए, तो फिर उसको तो फिर देना पड़ेगा फिर। अच्छा बाबा फेल हो जाऊंगा। बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बना दिया। हाँ आप खुश ही किया? खुश है, ठीक है, अच्छा ही किया है, तो झगड़ा था इसमें बहुत दिनों से खत्म हो गया, सही किया। तो सरकार वापसी कर पाएगी? अब वापसी तो भगवान जाने, तो वापसी की तो भैया। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम पवन कुमार है जी। हाँ बताइए उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन है 22 में किसकी सरकार आएगी? ये तो जैन चौधरी की जाएगी। जैन चौधरी जी। कितनी सीट निकल पाएंगे? अब तो ये अनुमान नहीं है, पर हर एक जगह जहाँ भी है इसका बोलबाल है। अच्छा। ये सरकार निकलेगी अब। हाँ भैया क्या नाम है आपका? सौरभ चौधरी। हाँ चौधरी साहब बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? जैन चौधरी जी की बनेगी। जैन चौधरी जी। तो क्या राम मंदिर से आप लोग खुश नहीं हो क्या? खुश हैं कुछ किसान, किसान खुश नहीं है राम मंदिर से। क्या है राम मंदिर? अच्छी बात है, बना है, मुद्दा है, ख़त्म हुआ है, पर ये किसान का भी तो मुद्दा है। किसान एक साल से वहाँ पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उसका भी तो देखना है। हमने कहा राम मंदिर के ऊपर राम मंदिर थोड़ी वो है, किसान को भी तो देखना है। जब बीजेपी सरकार ने 370 भी हटा दिए। हाँ तो ये काम, ये काम तो कांग्रेस ने भी किया, इन्होंने एक एक सांस कर दिया, वो टुकड़ों में किया था उन्होंने भी। कांग्रेस ने भी धारा जो 370 है इसका भी एक महत्व था कि जम्मू कश्मीर अलग मांग मांग रहा था अपने झंडे की, तो इसलिए अनुच्छेद को लगा के 370 को लगा के इसलिए सरकार ने कह दिया कि ठीक है इधर कोई ज़मीन नहीं खरीदेगा, ये आपका, ये उनको संतुष्ट करने के लिए काम सब ने किया, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इन्होंने ही काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी दो दिन पहले अखिलेश यादव की रैली थी आजमगढ़ में। हाँ। उन्होंने लैपटॉप बांटे छात्राओं को। हाँ तो वो तो लैपटॉप बांटे अच्छी बात है, वो पी राजभर की और अखिलेश यादव की सम्मिलित रैली थी और सही है, इसमें क्या, वो तो सब कर रहे हैं सब पार्टी, अब योगी जी भी बांट रहे हैं लैपटॉप, इसमें क्या है, वो तो सब बांटेंगे, वोट का टाइम है अब 5-6 महीने, तो पैरवाई करेंगे कि हमको हमको, हम भी बढ़िया, आप भी बढ़िया, हम भी बढ़िया, मैं भी कल को खड़ा होने लग जाऊँ, मैं भी कहूँगा मैं भी बढ़िया, कहूँगा कि नहीं कहूँगा। तो किस तरफ जाएंगे छात्र आपके? छात्र का तो अब भैया जैन चौधरी एक युवा नेता हैं और दम है और अच्छे प्रवक्ता हैं और इनके बाप दादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं और कहीं ना कहीं दादा के गुण पोते में तो आते ही हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने पुलिस बल सुधारा है, इन्होंने पुलिस की वर्दी सुधारी है, इन्हें PAC का गठन किया है इन्होंने, इनके दादाजी ने, और इनके जो पिताजी रहे चौधरी अजीत सिंह, इनका उन्होंने उड्डयन मंत्री रहे जब तक वो उसमें ही रहा, प्रॉफिट में ही रहा उड्डयन मंत्रालय। बाबा जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह चरौली। अच्छा धर्मपाल जी बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस सपा की। सपा की? सपा की, सपा की सरकार बनाएगी, इसने बीजेपी ने किया क्या? कुछ काम नहीं किया। महंगाई इतनी बढ़ा दी कि जनता परेशान है, मजदूर किसान सभी परेशान। भाई हमारे यहाँ तो सपा का निकलेगा। अच्छा बाबा राम मंदिर बना दिया बीजेपी सरकार ने, क्या आप लोग खुश नहीं हो क्या? नहीं ये तो भाई आप ये को 370 हटा दी, कोई ये कोई नया काम थोड़ी किया उन्होंने, ये तो ऐसी कोई बात नहीं, ये नहीं, यहाँ तो किसान तो मांग रख दिए, मैं सिलेंडर 1000 का, गन्ने का भुगतान नहीं, किसानों को
गेहूं का कोई उचित रेट नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, क्या करे बताओ किसान। तो इस वजह से किसान नाराज है, कुछ नहीं इनको वोट दे पाएगा बीजेपी। अच्छा, तो हम तो दे नहीं, हमारा तो ये क्षेत्र नहीं दे पाएगा। तो अखिलेश सरकार कितनी सीट ले पाएगी इस बार? अखिलेश की सरकार ही बनाएगी, सीएम बनाएगा अखिलेश यहाँ का, इतनी सीट ले पाएगी लगा लो अंदाज कितना लेगी उसकी, सीएम बनेगा अखिलेश यहाँ का। और हमारा ये लोक दल का जो है अजीत, ये जैन, हाँ वो जैन, सॉरी जैन देगा, ये डिप्टी सीएम बनेगा। ठीक है, हाँ क्या नाम है भाई साहब आपका? छोड़िए मैं पकड़ लूँ, मैं पकड़ लूँ। मैं एक हवलदार श्रीनिवास, गांव चरौली। अच्छा, तो किसकी सरकार बना रहे हो उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भैया अभी तो कोई हिसाब किताब ही ना है, फिर भी ये जब ऑन टाइम पे पता चलेगा, क्योंकि आज के टाइम में जो भी है टाइम को देखता है, फिर लहर को देखता है। जैसे पहले मोदी सरकार की लहर थी, अब किसकी लहर आएगी ये तो आगे वक्त बताएगा। नहीं फिर भी तो वोट तो आप डालोगे ना? नहीं वोट डालेंगे, वक्त के अनुसार ही डालेंगे वोट। तो अभी नहीं बता पाओगे? नहीं अभी नहीं बता पाएंगे। मेरा नाम सुभाष सत्री, गाँव नीमका से हूँ। अच्छा भैया ये बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवा रहे हो आपके 2022 में? हमारी तो भैया पसंद यही है, बीजेपी योगी सरकार ही आनी चाहिए, जैसा काम करा उत्तर प्रदेश के नैया, हमारे गांव के नैया विकास बढ़िया करा है। तुम्हारे गांव के लिए क्या करा है? हमारे गांव के लिए रास्ते हैं, बिजली है और अन्य सुविधा दी हैं जैसे। अच्छा, तो ये आपके गांव का ही है हाल, दिखाना ज़रा ये क्या है? कार्य चल रहा है, कार्य आगे भी चल रहा है और पीछे भी चला है और इस तरफ भी चला है। अच्छा, तो भैया टाइम लगता है काम चलने में। तो इस बार कितनी सीट निकाल पाएगी बीजेपी? भैया ये तो पता नहीं कितनी सीट लगा दी है, पर लेकिन हमारी वोट तो बीजेपी के लिए है। क्या नाम है? रूप सिंह जी। हैं? रूप सिंह जी। हाँ रूप सिंह जी, बताइए इस बार किसकी लहर है? देखो लहर तो ये तो समय बताती है कि क्या होता है, बदलने के लिए तो एक मिनट में बदल जाती, पर लेकिन रुकवा देखते हुए हमारे गाँव की स्थिति में आज वो हालत है कि डेंगू में इतनी पब्लिक पड़ी हुई है कि कोई विकास नहीं है और किसी के घरों में पैसा तक की भी नहीं है, पर लेकिन मजबूरी है, कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है अपना इलाज कराने के लिए, भाई आदमी बचाने के लिए कोशिश करता ही आदमी, तो इतनी स्थिति ख़राब है। तो आप ये भाई साहब आपके गाँव के ही हैं? हाँ गाँव के हमारे के ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा विकास किया है। देखो अपना अपना विकास तो हो रहा है, विकास तो हुआ भी है, हालाँकि टंकी के लिए भी आए थे, बिजली लाइन के लिए भी आए थे, पर लेकिन उसको जब ददुआई खा गए तो उसमें करेगा क्या कोई? भाई नेता पैसा ही तो बेच सकता है, विकास ही तो बेच सकता है, कर तो उड़ी नहीं सकता है, करने के लिए तुम करोगे या कोई और करेगा या हम करेंगे। अच्छा आपने बात घुमा दी, जहाँ मैं पूछ रहा था आपने वो बात बोली नहीं। नहीं बोलने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात सच है कि नेता अच्छा था, बढ़िया थी बीजेपी, खूब बढ़िया सरकार थी, पर लेकिन उस आधार के अनुसार नहीं है, अभी अब भी है होने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, या कोई काम ऐसा गलत भी नहीं किया है कि किसी को परेशानी उठा दी। तो 2022 में किसको ला रहे हो? देखो अब तो ये तो मोदी जी आएंगे और तो उम्मीद ना लग रही हमें किसी को अंदाज़ा में, और देखो लहर बदल जाती है तो ऊँची अलग चीज़ है, पब्लिक है इसका नाम, बदल जाती है जरा सी देर में बदल जाती है। अभी 2022 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में जी, किसकी लहर है इस बार? भाई कासल पर है, कोई सलाह ना पड़ रही। फिर भी तो आप बताओ वोट तो आप डालोगे? वोट तो डालेंगे। तो किधर डालोगे वोट? वोट डालेंगे या तो अखिलेश की या कांग्रेस की। नहीं दो जगह कैसे डालोगे आप, एक जगह वोट डाल सकते हो ना? हाँ एक जगह ही डालेंगे। हाँ तो किसकी सरकार बना रहे हो? देखो जी इन्होंने तो नाक में दम कर रहा है कि कर्मचारी हो या किसान हो, हालत गलत कर रखी है इन्होंने। तो किसको लाना चाहते हो बाबा? कोई समझदार आदमी आ जाए तो अच्छा है। कौन है समझदार बताइए? मायावती तो आन न दिए कोई। उमाशंकर। उमाशंकर हाँ जी। अच्छा उमा जी ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी लहर है इस बार? लहर भैया सपा की हमारी तो। सपा? हाँ सपा और जोर तोड़ से आएगी। कितनी सीट निकल पाएंगे इस बार अखिलेश यादव? पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। हाँ
पक्का 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 हम तन मन धन से हम जान लगाएंगे, धन तन मन धन से जान लगाएंगे यहाँ से लेके नकलों तक अखिलेश के साथ। हाँ पूरी तरह। और यूपी में भी और गांव में भी पहली बार हम अपने गांव में बहुत जान लगाएंगे।